até nem ia dar, olha. O dinheiro que terá de peso. हम भी कम फास्ट हैं। दर्जी को किडनैप करके क्या लगा था? हमसे बच जाए। मेरे पास में ना दे। शादी से मेघना ने मना कर दिया है क्योंकि वो जानती है कि जो बेगुनाह है वो जेल में है, जो असली गुनेगार है वो फ्री घूम रहा है हम सबके बीच, और उसका कहना ये है कि वो एक नई लाइफ नहीं शुरू कर पाएगी जब तक एक बेगुनाह जेल में है और जो कसूरवार है वो खुला घूम रहा है। तो इस केस में भी, सच्चाई की लड़ाई में भी पूजा नरेन मेघना के साथ हैं और वो चाहते हैं कि जब तक असली गुनेगार पकड़ा ना जाए तब तक मेघना को इंसाफ नहीं मिलेगा और वो अपनी नई लाइफ नहीं शुरू करना चाहती। दैट्स हर डिसीजन। तो सबसे अच्छी बात तो इस केस में ये है कि पूजा और नरेन के साथ इस बार पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी भी उनके साथ है, तो ये केस और भी अब जो है हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा लड़ना और पता करना कि एक्चुअली गुनहगार कौन है। नरेन जो हैं उन्होंने एक जासूस को जो है उनके एम्प्लॉय हैं उनको रखा हुआ है और वो भी उनको हेल्प कर रहे हैं कि असली गुनहगार कौन है वो पता करने में, और इंस्पेक्टर भी उनको हेल्प कर रहे हैं असली गुनहगार पता करने में। तो इस बार तो हम लोग तभी चैन की सांस लेंगे जब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा और मेघना को इंसाफ मिल जाएगा। सारे रास्ते वैसे बंद हो चुके, लेकिन एक आखिरी रास्ता जो है, जो वो दर्जी मास्टर है जो गुनहगार को जानता है पहचानता है, और इस वक्त वो किडनैप हो चुका है, लेकिन शिवानी, इंस्पेक्टर शिवानी ने ये बताया कि कल सुबह 8 बजे वो खुद उसे यहाँ लेकर आएगी, और ये जो 8 सस्पेक्ट्स हैं उनमें से कौन गुनहगार है कल के कल पता चल जाएगा। तो इसलिए हाँ, राह खुलती हुई नज़र आ रही है, तो जो कोई भी सस्पेक्ट है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा जो हमें सुराग तक पहुँचाएगा। बताओ, जब तक नेगेटिव थी जब तक सब सही चल रहा था, पॉजिटिव होती जा रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है, बेचारी खुद ही फंस गई बुरी तरह। हाँ, मतलब ये ऑडियंस के लिए भी एक शॉक होगा कि ऑल ऑफ सडन सुरभि इन सब चक्रों में फंस जाती है और देख लेती है, मर्डर देख लेती है, और वो चेजिंग वेजिंग, द लॉट ऑफ थिंग इट्स हैपनिंग, लॉट ऑफ थिंग। बिल्कुल हमला हो गया है और वो मेरे पीछे हैं चाकू के साथ और मैं भाग रही हूँ, कितना भाग पाऊँगी, 9 मंथ प्रेगनेंट हूँ। भी जान बचाने की कोशिश तो कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि वो राहुल नरेन तक पहुँचे और उन्हें बताए कि एक्चुअली रेपिस्ट कौन है, और उसने उसको चश्मदीद गवाह जो था द टेलर उसको भी मार दिया है, वो बताना चाहती है, लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वो बता पाती है कि नहीं बता पाती। मेघना को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, बल्कि मानना तो दूसरी बात है, बेटी ही है वो मेरी। और बहुत ही यू नो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया उसके साथ में शादी के दौरान, एंड आई थिंक फॉर एनी गर्ल अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट उसके साथ होता है तो न्याय तो उसे मिलना ही चाहिए। यहाँ पर पूजा और नरेन भी वही कोशिश कर रहे हैं कि मेघना को न्याय मिले, एंड आई थिंक जल्द से जल्द हम सक्सेसफुल भी होंगे। वो मदद तो कर रही है पहुँचने की, लेकिन नरेन पूजा है आई एम श्योर वो भी कुछ न कुछ अपने इनपुट्स दे करके इस केस को बहुत जल्दी एंड तक ले जाएंगे। फुल 100% है उसके साथ, जैसे मेरे लिए पूजा है वैसे ही मेरे लिए मेघना है।